सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस चैनल के तमाम व्यूअर्स को सावन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सावन की तरह आप भी हरी भरी और खुशहाल रहें, खुशहाल जीवन बिताएं। शिवालय बंद होने की आदेश जारी है, यानी कि शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी, यानी कि पूजा पाठ अर्चना आम तौर पर शिव भक्त नहीं कर पाएंगे मंदिरों में, शिवालयों में, लेकिन शिवालय में पूजा पाठ होगा। इधर पंचायत चुनाव को लेकर खास अपडेट सामने आया है। 27 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव आया है। 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, 4 पदों के लिए ईवीएम से चुनाव होंगे और 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए 5 दिनों का मिलेगा मौका। इधर 10वीं और 12वीं में सिर्फ 5 हुए फेल, सितंबर तक आ जाएगा बच्चों के लिए वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है, देश में एक बार जातिगत जनगणना विकास के लिए आवश्यक है। जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में उतरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में तीन करोड़ से अधिक लोगों पर संक्रमण का संकट फिलहाल बरकरार है और एक बड़ी पहल की गई है। परिवहन विभाग के द्वारा प्रखंडों में भेजी गई 350 एम्बुलेंस, राज्यभर में शिवालयों के पास रहेगी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। कोरोना के कारण बंद रखे गए हैं धार्मिक स्थल और टीकाकरण में 18 पार वालों की हिस्सेदारी 47%। जमीन पर अब तक नहीं डाली गई एक भी ईंट, दरभंगा एम्स की बात। ईवीएम की पहले चरण की जांच 20 अगस्त तक होगी पूरी। जातीय जनगणना पर केंद्र ने अनुनयन विनय क्यों तेजस्वी यादव, पैक्सो के कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नमस्कार, इस चैनल के तमाम व्यूअर्स को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम खबरों को लेते हैं सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, तमाम खबरों को चुनकर आपके लिए लाते हैं। आपसे कहना है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको सूचना मिलता रहे और सबसे पहले सबसे आगे आप वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करेंगे क्योंकि स्पेशल आपके लिए खबरों को लेकर आपके बीच आते रहते हैं प्रतिदिन। चलिए खबरों के सिलसिला को अब शुरू करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में एक बार जातिगत जनगणना विकास के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहना है कि देश में एक बार जातिगत जनगणना सभी तबकों के विकास के लिए आवश्यक है। किसी इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है इससे पता चलेगा। एससी एसटी के अलावा अन्य गरीब गुरबा तबका को भी इसका लाभ मिल सकेगा, अब पता चल सकेगा उनकी सही मायने में संख्या कितनी है। संख्या का पता चलेगा तो उनके कल्याण के लिए ठीक ढंग से काम भी हो पाएगा। विकास की बात करते हैं, नाम है विकास पुरुष और इसीलिए विकास की हर मुद्दा को उठाते रहते हैं। अब कितना इनका कहना सही है कितना गलत है ये हमारे व्यूअर्स खुद जानते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। फोन टैपिंग में कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने फोन टैपिंग के बारे में कहा है कि अगर इसमें जो भी हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की खबरों में लेते हैं सीआईएसई की खबर है, 10वीं और 12वीं में सिर्फ 5 फेल हुए हैं, 99.92% 10वीं परीक्षा में सफल हुए राज्य में यानी, और 99.91% 12वीं की परीक्षा में हुए पास। बहुत खुशखबरी की बात है कि बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। राहत भरी खबर है कि सितंबर महीने में बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन आ जाएगा, उसका टीका आ जाएगा, आने पर हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। मगर संवाद भी इसके पक्ष में है कि आप जरूर कोरोना वैक्सीन लगाएं ताकि
अब आप भी बचे, समाज बचे और देश भी बचे, तो आप जरूर वैक्सीनेशन कराएंगे। दिल्ली से जम्मू तक सीबीआई के छापे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आदिवासियों की फर्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आरोप से संबंधित मामलों में शनिवार को जम्मू कश्मीर में 40 जगहों और राष्ट्रीय राजधानी में छापे मारे गए हैं। श्रीनगर से यह खबर आई है। आगे की अगर हम चर्चा करें तो बिहार में 3 करोड़ से अधिक, हमारे अपने बिहार में 3 करोड़ से अधिक लोगों पर संक्रमण का संकट जो है बरकरार है। आपको बता दें कि कोरोना की जंग में इसमें अब तक नहीं बनी है एंटीबॉडी, जबकि 73% लोगों में एंटीबॉडी हुई है विकसित। केंद्र ने बिहार सरकार को भेजी रिपोर्ट, सभी जिलों के सिविल सर्जन को इसे भेजा जाएगा। सबसे अधिक बक्सर में विकसित हुई है एंटीबॉडी। तो आपको बता दें कि टीकाकरण को बढ़ाकर ही हो सकता है बचाव। जब तक टीकाकरण सबों को नहीं लगेगा, इसकी रफ्तार नहीं बढ़ेगी, हम कोरोना से सुरक्षित नहीं रख सकते हैं अपने समाज को। अब तक 7.24 लाख व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं राज्य में। कोरोना से निपटने के लिए हर तरह की कार्य किए जा रहे हैं, तो इसमें परिवहन विभाग भी पीछे नहीं है। परिवहन विभाग के द्वारा प्रखंडों में भेजी गई है 350 के करीब एम्बुलेंस। सचिवालय स्थित संवाद के सामने आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंसों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सांकेतिक रूप से लाभुकों को एम्बुलेंस मिली। साल के अंत तक सभी प्रखंडों में 2-2 लाभुकों को एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। 5 लाभुकों का कार्यक्रम में एम्बुलेंस सौंपी गई। 800 एम्बुलेंस की खरीद अक्टूबर तक की जाएगी। तो यह एक अच्छी पहल है बिहार सरकार के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा। इधर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से अचानक ऑक्सीजन की काफी मात्रा में दिक्कत हुई है, कमी महसूस की गई है, तो इसको पूरा करने की सारी व्यवस्था को की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं हो। सावन की शुरुआत हो गई है, शिव भक्तों की तादाद बढ़ी है। शिव भक्त बाबा भोले शंकर की, बाबा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार दुर्भाग्य कह सकते हैं, पिछले बार की तरह इस बार भी पहले जैसा नहीं, अपने घरों में ही अगल बगल ही शिव भक्त जो है बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में शिवालयों में शिव भक्तों को पूजा अर्चना करने की छूट नहीं दी गई है। राज्य भर में शिवालयों के पास रहेगी पर्याप्त सुरक्षा। राज्य भर में भक्तगण भीड़ न लगाएं, उतावलापन में न आए, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किया गया है। कोरोना के कारण बंद रखे गए हैं तमाम धार्मिक स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल है। कोरोना से बचाव को लेकर, सुरक्षा के ख्याल को लेकर शिव भक्तों का जो शिवालय है उसको बंद रखा गया है। टीकाकरण में 18 पार वालों की हिस्सेदारी 47%, जोश बरकरार है, आगे बढ़ने की बातें की जा रही है, लेकिन हिस्सेदारी 47% अंकित किया गया है। इधर दरभंगा एम्स की तजुबात बात करें तो खत्म करो इंतजार जो है वह खास तौर से जमीन पर अब तक नहीं डाली गई एक भी ईंट। एम्स की बात की गई लेकिन अभी एक भी ईंट नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए चुनाव की बात को हम करेंगे, इससे पहले जातिगत जनगणना केंद्र के अनुनय विनिमय क्यों, तेजस्वी ने आरोप लगाया, वो आवाज उठाई है। इधर पैक्सो की बात अगर कर ले तो नवाड में पैक्सो के कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि पैक्स को कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू हो गया है। अगर वो प्रारंभ हो जाए तो लाभुकों को काफी लाभ मिलेगा। यह सरकार की एक बेहतर पहल है। इस पर हम पहले ही आपको कई खबरों में बता चुके हैं कि यह क्या है योजना, क्या क्या इसमें काम होगी। अब बिहार में पंचायत चुनाव की चर्चा कर लें तो बिहार पंचायत चुनाव में एक बूथ पर तैनात होंगे 6 मतदान कर्मी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4-4 ईवीएम और 2 मतपेटी का व्यवस्था होगी। और आपको यह भी बता दें कि प्रत्येक प्रखंड में मतगणना केंद्रों पर 5 हॉल में होगी मतगणना, यानी कि प्रखंड स्तर पर ही मतगणना करने की व्यवस्था की गई है। मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, जबकि सरपंच और पंच का चुनाव मत पेटी से, मत पत्र से कराया जाएगा। इधर त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में 1.1 लाख माने 1,10,000 से अधिक पदों पर चुनाव 10 चरणों में 27 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच कराने का प्रस्ताव लाया गया है। तो इस बार
अगस्त से अक्टूबर के बीच पंचायत चुनाव कराने की बात की जा रही है। इधर अगर हम चर्चा कर ले ईवीएम की, तो ईवीएम की पहले चरण की जांच 20 अगस्त तक हो जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे राज्यों से मंगाए गए सभी ईवीएम को 20 अगस्त तक फर्स्ट लेवल जांच होगा, यानी कि प्रथम चरण का जो जांच है वो 20 अगस्त तक पूरी कर लेनी है। यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब बिल्कुल तैयार रहना है प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को, कि चुनाव में हमें उतरना है। लगे रहिए, जीत सुनिश्चित होगी, जो पीछे रहेगा वह सोचता रह जाएगा। तो आप कछुए की चाल से नहीं बल्कि खरगोश की चाल से चलना शुरू कीजिए, और नहीं तो कछुए जैसा अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो आप मतदाताओं के पास में आप अपना विचार नहीं पहुंचाएंगे। चलिए बिहार के नियोजित शिक्षकों पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर कह सकते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को वैसे नियोजित शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र निगरानी के पास जमा नहीं है, वो वेब पोर्टल पर भी अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें फिर से अपलोड करने का, जो अपलोड नहीं किए हैं उनको 5 दिनों का मौका मिल सकता है, सुधार करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग NIC के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको पूरा करने में लगी है। EPF नंबर जो है, वन नंबर जो है, वे नंबर जो है उसको सुधारने में भी लगी है। तमाम चीजों में सुधार अगर हो जाता है तो शिक्षकों को फिर से 5 दिनों का मौका मिलेगा और नौकरी बचने की संभावना बढ़ जाएगी, और नहीं तो पहले ही बिहार सरकार या शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर चुकी है कि जिनका दस्तावेज जमा नहीं होंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, बर्खास्ती समझी जाएगी, सेवा समाप्त समझी जाएगी। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें, जैसे ही कोई खास खबर लेकर आता है, निकलता है, प्रकाशित होता है, सार्वजनिक होता है, तो हम आपके लिए जरूर बताएंगे। सबसे पहले, सबसे आगे, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में रोमांचक खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।